मेरे भाई कुछ तो बात होगी, हमने साढ़े हंसते हंसते 1000 दुश्मन बना लिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगला स्टेशन कश्मीरी गेट है। अरे इनकी तो देख सकते मेट्रो भाई, सब मेट्रो ही है। तो ये पहला स्टेशन शास्त्री पार्क। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, डोर ओपन इज राइट, पता नहीं लेफ्ट। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका हिंदुस्तानी भाई गांधीनगर की निशानी है और अजीत नगर की कहानी है, इसका नाम आई एम कैप्टन हिंदुस्तानी। आपको एक बात बतानी, हमारे रोहित भाई हमारे साथ में आए थे भाई, एकदम सेम टू सेम सेट पहन रखी है, क्योंकि भाई हम बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि सन 2007 से साथ हैं और आज 2024 चल रही है, यानी 17 साल हो चुके हैं हमें। तो भाई हम ना कुछ मतलब लोगों को देख रहे थे कि वीडियो बना रहे थे, वो भी हमारे भाई जैसे ही हैं। तो मतलब यार हमें अच्छा लगता है कोई अगर वीडियो बनाता है कि हम, हमारी एक इंप्रेशन ये है कि हम आगे कुछ कर रहे हैं, तो हमारे मतलब आगे भी हमारे से कोई अच्छा करे। तो भाई हमारे ये भाई भी सारे जितने भी थे, तो भाई आपको कैसा लगा हमसे मिलकर? पहले तो ये लगा कि हम कौन है, हम कहीं नहीं है, पहले मतलब फिर बाद में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मतलब पहले क्या लगा था कि हम आपके पास में आए थे, तो मतलब पहले क्या लगा था कि हम कौन है क्या नहीं है? पहले ऐसे लगाओगे नॉर्मली, फिर आपने कहा यार तो वीडियो बनाते हैं यार की। चलो कोई नहीं यार, बाकी यार भाई दोस्त हो रही यार उसके लिए, देखो आपको ये लगाओगे हम आपको मजाक उड़ाते नहीं यार, ऐसे ही हम देख रहे थे कि आप कैसी वीडियो बना रहे हो। तो भाई चलो मिलते हैं आगे। जो है टोकन लेके भाई हम जो है दिखावा नहीं करते कि हम कितने का टोकन ले रहे हैं, 50-60 का जो भी लें भाई, 10-20 रुपये का, वो तो हमारा उनका का मैटर है। तो हम भाई उन लोगों से बात करके मेट्रो से निकल कर आ गए। रोहित भाई हमारे सेम, तो आज इन दोनों सेम लग रहे हैं, चश्मा भी लगाई हुआ भाई, लगाने के बाद मैं कैसे रहूँगा? तुम्हारा भाई ना लगाऊंगा से लगा छोटे बाल किसी को मतलब बड़े बाल अच्छे लगते थे, इसीलिए मैंने कटवा दिया। जो चीज किसी को अच्छी लगती है वो चीज हटाई दो, अपनी लाइफ से हटाई दो, लगाना सर क्या नाम है आपको? हाँ ये है ना बात, देख सकते हैं मेट्रो भाई, सब मेट्रो ही है ये। तो ये पीछे का देख सकते हैं आप, क्या बेहतरीन है। तो ये कौन सी जगह होगी रोहित भाई? मेरे शास्त्री पार्क। तो अगला स्टेशन शास्त्री पार्क। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, डोर ओपन इज राइट, पता नहीं लेफ्ट नहीं राइट। सुनो हाँ, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दोगलों से दूर हटकर खड़े हो। दोगले कौन? वही जो अपने आप लेके दे। तो रोहित यार तूने किसी को शायद पैसे उधार दे रखे थे, क्या हुआ उसका? क्या करा जाए, दे दिए, अब वापसी करने का नाम नहीं ले रहा वो। ऐसे तो मार्क पता नहीं किस किस को दे रखे थे पैसे, एक और सही और क्या, उसमें क्या है यार। देखो किसी का भला हो रहा है, नहीं देना चाहता है, उसकी इच्छा है, अब क्या हम क्या कर सकते हैं उसमें, एक और सब खुद ही बता। वैसे भी दान फोन करना अच्छा ही होता है। अब वो मुसीबत में, देखो उसने एक बात कही थी, मैं मुसीबत में फंसा हुआ हूँ तो मुझे पैसे की जरूरत है, भाई पैसे दे देना भाई, मैं तुम्हें कल दे दूँगा वापसी। भाई नहीं देखो दे दिए, इसी बात को मैंने सुन के भाई मुसीबत पर फंसा हुआ था, डालनी चाहिए। अब भाई अब उसी की इच्छा है, डाल नहीं रहा, क्या कर सकते उसने हम। चलो कोई नहीं, वैसे मैं तो कहना चाहता हूँ किसी से लड़ाई तो कर नहीं सकते, लड़ाई करोगे तो पैसे किए तुम्हारे। सही बात, अब्बल तो भाई देखो लड़ाई झगड़े को फायदा नहीं है, क्योंकि सामने वाले की इतनी वो है ही नहीं कि वो करे। तो मैं तो कहता हूँ भाई दान पुण्य करना भी अच्छा है, क्योंकि इस देश के अंदर काफ़ी जो गरीबी है वो हट सकती है। जो जैसे क्षेत्र होते हैं कि 100 धार्मिक क्षेत्र को हम छेड़ दें, ग्रामीण क्षेत्रों को रख लें, तो ऐसी गरीबी हम खत्म कर सकते हैं। तो आप ऐसे पैसे ले दे के किसी को भूल जाया करें। तो आप क्या क्या कहना है इस बारे में, आप कितने नंबर देंगे मेरी बात का? 10 में 10, यानी कि भाई एग्जैक्ट देंगे। तो हम शास्त्री पार्क आ चुके हैं, जिससे पता नहीं किसकी आवाज़ है, बैग इत्यादि। मैं तो कहता हूँ अमिताभ बच्चन की अगर आवाज़ लग जाए। मेरी आवाज़ है, किसकी आवाज़ है? मेरी है। आपकी आवाज़ है? हाँ, मतलब बोल के दिखाओ। चलो देखो, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगला स्टेशन कश्मीरी गेट है। अरे इनकी तो वॉइस